Good morning students welcome to your computer class and I am your computer teacher Komal Goyal students today i will teach you first part of chapter 3 that is microsoft access in this chapter we will learn about the database microsoft access the components of microsoft access and how we start microsoft access students माइक्रोसॉफ़्ट एक्सेस में डेटा क्रिएट किया जाता है तो बच्चों एम एक्सेस को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं वॉट इज़ डेटा बेस डेटा बेस क्या होता है डेटा बेस कंप्यूटर पर स्टोर किए गए डेटा का कलेक्शन है जिसको हम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के द्वारा ईजिली एक्सेस कर सकते हैं अपडेट कर सकते हैं और उस पर क्वेरी कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम एक स्कूल का डेटा बेस रेडी कर रहे हैं तो उसमें उसके स्टूडेंट्स का उसकी उनकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन करिकुलर एक्टिविटीज़ और उसमें उनके टीचर्स का और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का डिटेल रहता है तो बच्चों एम एस एक्सेस एक रिलेशनल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है जो एम एस ऑफिस के अंतर्गत आता है यह है एक पावरफुल पर्सनल डेटा और डेटा मैनिपुलेशन टूल है जो कि सेल्फ यूज और स्मॉल मिड साइज़ के बिजनेस में कुशल तरीके से डेटा को स्टोर मैनेज और यूटिलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है तो बच्चों अब हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि एमएस एक्सेस टू थाउजेंड टेन कैसे बना है एमएस एक्सेस टू थाउजेंड टेन कुछ मेजर कॉम्पोनेंट्स की हेल्प से बना है फर्स्ट वन इज टेबल टेबल उस डेटा का बैकबोन और स्टोरेज कंटेनर है जो डेटाबेस में एंटर किया गया है अगर टेबल ठीक से सेटअप नहीं किया जाएगा तो जो रिजल्ट हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलेगा क्वेरीज़ फॉर्म ये सभी चीज़ें टेबल पर ही बेस हैं इसलिए हमें टेबल बनाते समय थोड़ा समय देना चाहिए जिससे टेबल में कोई भी मिस्टेक न हो नेक्स्ट वन इज़ रिलेशनशिप यह एक या एक से अधिक टेबल्स के बीच में बनाया हुआ एक बॉन्ड है जो कि उन टेबल्स को ज्वाइन करता है जिसमें उससे संबंधित एलिमेंट्स रहते हैं नेक्स्ट वन इज़ क्वेरीज जब हमसे हमारे डेटा के बारे में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है तब हम डेटा को डायरेक्टली देख आंसर नहीं दे, दे पाते हैं या देना मुश्किल होता है ऐसे में हम क्वायरीज ऑप्शन का यूज़ करते हैं हमारे डेटा को फिल्टर करने के लिए उसे समराइज करने के लिए हम क्वारीज क्वायरीज का यूज़ करते हैं नेक्स्ट वन इज़ फॉर्म्स फॉर्म्स एक ऐसा यूज़र फ्रेंडली वे है जो टेबल में स्टोर डेटा को एंटर करता है डिस्प्ले करता है और एडिट करता है रिपोर्ट्स का यूज़ टेबल और क्वैरीज में स्टोर्ड डेटा को प्रिंटेड फॉर्म में प्रेजेंट करना है मैक्रोस एक्सेस में ये एक ऐसा टूल है जो कॉमन टास्क को ऑटोमेटिक करना अलाउ करता है यह इंस्ट्रक्शंस का सीक्वेंस है जो कि एक सिंगल माउस क्लिक पर कैरी हो सकता है मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स एक ऐसा बेसिक एक ऐसी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को सपोर्ट करती है एप्लीकेशंस को बनाने के लिए जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वहाँ मॉड्यूल्स का यूज होता है फील्ड फील्ड एक टेबल में अलग अलग कैटेगरी होती है जैसे एक स्टूडेंट टेबल के हर फील्ड में एक ही तरह की इंफॉर्मेशन होती है हर एक स्टूडेंट के लिए जैसे उसका एडमिशन नंबर नेम एड्रेस फोन नंबर एट्सेट्रा और नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बच्चों ये हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन है आइए हम सीखते हैं कि हम कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को स्टार्ट करते हैं हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सो फर्स्टली क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन ये स्टार्ट बटन आपको दिख रहा है इस इसपे क्लिक करेंगे द स्टार्ट मेन्यू विल अपेयर क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स द प्रोग्राम लिस्ट विल बी लिस्टर क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप यहाँ पे देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमने क्लिक किया यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हमें माइक्रोसॉफ्ट के दिखाई दे रहे हैं देन क्लिक द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 थाउजेंड सेवन जैसे हमने इस पे क्लिक किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 विंडो विल अपेयर हमें विंडो यहाँ पर दिखाई देने लग गई जब हम माइक एम एस एक्सेस स्टार्ट होता है तो हमें एम एस ऑफिस का एक बैक स्टेज व्यू दिखाई देता है यहाँ पर हमें करंट डेटा बेस न्यू डेटाबेस और पहले से ही बने डेटा बेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है तो हमें इसकी विंडो लाने के लिए सबसे पहले न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम आइए स्टेप सीखते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे ब्लैंक डेटा बेस एक खाली डेटा बेस दिया है इसको हम क्लिक करेंगे जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स हमें अपेयर होगा यहाँ पे हमें अपनी फाइल का नेम लिखना है हमें जो भी फाइल बनानी है हमें उसका नेम लिखना है सपोज दैट हमने फाइल बनाई एस एस इंग्लिश अकेडमी ये हमने फाइल बनाई और इस क्लिक बटन पे क्लिक कर क्रिएट बटन पे क्लिक कर दिया जैसे ही हमने क्रिएट बटन पे क्लिक किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एक नए डेटाबेस हमारे सामने क्रिएट हो गया है और न्यू टेबल विल आल्सो ओपन एक न्यू टेबल हमारे सामने आ गई है ये हमारा एम एस एक्सेस की स्क्रीन है तो बच्चों इस वीडियो में हमने डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के कॉम्पोनेंट्स और कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की विंडो को स्टार्ट करते हैं और एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करते हैं इस बारे में पढ़ा तो बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो के स्क्रीन एलिमेंट कैसे टेम्पलेट्स का यूज़ करके एक डेटाबेस को क्रिएट कर क्रिएट करते हैं उसमें डेटा एंटर करते हैं उसको सेव करते हैं और क्लोज़ करते हैं और एम एस एक्सेस की विंडो से हम लोग एग्जिट करते हैं इस बारे में पढ़ेंगे जय हिंद